श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखुर सुधार बरनउ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिक सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरौं कलेश विकार सियारम पवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसों सुर भू सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो बोली उमापति महादेव की जय हो बोली गणेश जी महाराज की जय हो बोली सरस्वती मैया की जय हो बोली सियावल रामचंद्र की जय कृष्ण बलदेव की जय बालाजी महाराज की जय गुरुदेव महाराज की जय बंधुओं श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन पिछले 5 महीनों से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन किया जा रहा है। आप सभी बालाजी मंदिर होटल के ऐसे ही दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक व शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। किस प्रकार कल रामायण पाठ में आपने श्रवण किया था कि लक्ष्मण जी ने सुग्रीव व अंगद का राज्याभिषेक किया और उसके बाद वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। प्रभु राम जी लक्ष्मण जी से किस प्रकार वार्ता कर रहे हैं, आइए आगे चलते हैं। हरित भूमि तृण सकुल समुझि परहि नहि पते हो रामा जिम पाकांड बाधते गोप्त होई सधे ग्रांते हो रामा। प्रथमी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादोर धोनी चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ऊ जन मटु समुदाय नव पल्लव बाए बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थी के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। मैं अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए जिससे वह ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त कर होने पर हो जाता है। आर के जवासी पाते बिनु भयऊं जस सोराज खल ओदम गेहूं खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी करहि क्रोध जिमे धर मई
बदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हो मैं, उनके पत्ते जड़ गए जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उदम हो जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। सस संपन्न सोई मई कैसी, उपकार के संपत्ति जैसी, निश्चितम धन खगोत बिराजा, जनु दवान कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी प्रतिमी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष को संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो वे, महाबृष्ट चली फूट की आरी, जिम सुतंत्र वह बिगरही नारी, कृषि ने रावय चतुर किसाना, जिम बोधता जई मोह मद माना। भारी वर्षा से खेती की क्यारियां फूट चली हो में, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, चतुर किसान खेती को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक दे रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद मन का त्याग कर देते हैं। देखत चक्रवाग खग नाई, कलही पाई जिम्मेदार में पराई, ओ सरे बरे सही त्रन नहीं जाम, जिम हर जन ही उपजने कामा। चक्रवाग पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं, उस पर से वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्तों के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। बेवेदे जानतु सकल मही ब्राजा, पेरे जा बाड़े जिम्मे पाई सो राजा, जह तह रही फत के थकी नाना, जिम इंद्रिय गन उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभाय मान है, जैसे सूरज जय पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, जहां तहां अनेक पतिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहुं प्रबल वह मारुत जहते मेघ बिलाई रामा, जिम कूपत के उपजे कुल संदव नसाई हो रामा। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जाता गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु देवस मह विविढ़ तम, कबहु प्रगट पतंग हो रामा, बिन सही उपजई ज्ञान जिम
पाई को सांगे सो सांगे सिया रामा। कवि बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार हो जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग्रह पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरसा बिकट शरद ऋतु आई, लक्ष्य माने दे कहूं परम सुहाई। फूले काशी सकल मही छाई, जनो बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई, फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने काम रूपी सफेद बालों की रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया होवे। ओदेते आगे स्ते पांते जल सोसा, जिम लो वही सो सही संतोषा। सरते सर निर्मल जल सोहा, शांत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तार ने उदय होकर मारक के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी सुबह पा रहा है जैसे मद मोह से रहित संतों का हृदय होवे। रस रस सुख सारे ते सारे पानी, ममता त्याग कर ही जिम रयानी। जाने शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सकूर्त सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेक की पुरुष ममता का त्याग कर देते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पांके ने रेनु सोए असि धरिनी, नी तेने पुन नृपके जसी करनी। जल संकोच बिकल भई मीना, अवोदे कोटाम में जिम धनहीना। न की चढ़े न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूरख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाते हैं। बिनो घन निर्वल सोहा आकाशा, हर जन एव पर हरि सब आशा। कहूं बृष्ट सारे दी थोरी, को एक पा में भगति जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश जैसे शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरस तज नगर नृपतापस, बन के भिकारी हो रामा। जिम हरि भक्ति पाई शरम तजही,
आशिरम चारी हो रामा। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी भिकारी क्रमशः विजय तप व्यापार भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रमों वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रम को त्याग देते हैं। सुखी मीन जनीर अघादा जिम हरि शरण एक बादा। फूल कमल सोह सर कैसा निर्गुण ब्राह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अताय जल में हैं वह सूखी हैं। जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलों से तालाब कैसी शोभा दे रहा है। जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित होता है। गुंजत मधुकर मुकर अनुपा सुंदर खग रवि नाना रूपा। चक्रवा के मन दुख निसिफ की जिम्मे दौरे जने परे संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द है रहे हैं। रात्रि देकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्टों का होता है। चातक के रटते तृषा अति होई जिम सुख ले ही ने शंकर द्रोई। शरद ताप निश शशि अपे है रही शांत दरस जिम पातक टराही। पपिया रट लगाए हैं उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता सुख के लिए झीकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर है जाते हैं। देख एंधु चकोर समुदाई चित वही जिम हरि जन हरि पाई। मसक के दान से बीते हमें त्रासा जिम दे जे द्रोह किए को लेना सा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लाए हैं। जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्मिम ऐस नेत्रों से दर्शन करते हैं मच्छर डांस जोड़ों के डर से इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मणों के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रह गए शरद ऋतु आई सिया रामा। सद गोर मिले जाई जिम सांस ब्रह्म समुदाय सिया रामा। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वह शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिले जाने पर संदेह ब्रह्म के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसा गते निर्मल ऋतु आई सोदन ताति सीता के पाई। एक बार कैसहुं सोदे जानी कालहुं जीत निवेश महु आनी। वर्षा बीत गई निर्मल शरद ऋतु आ गई परंतु हेतात सीता जी की कोई खबर नहीं मिली।
एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कहता हूं रहूं जो हो जीवत होई, ताते जतन कर आना हूं सोई। सो गरीब हूं सो दे मोरी बिसराई, पावराज को से पोर नारी। कहीं भी राय यदि जीती होगी तो हे तात, यतन करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। जय ही सायक मारा में बाली, तही सारे हथो मुड़ कह काली। जासू कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूं उमा की सपने खोआ। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारू। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं सपन में भी क्रोध हो सकता है? यह तो लीला मात्र है। जान यह चरित्र मोने ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रत मानी। लक्ष्मण क्रोध वंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी की चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर भान हाथ में ले लिए। तब अनुजय ही समझावा रघुपति करुणा सीम हो रामा। भव दे का ही ले आवता ते सका सुग्रीव हो रामा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुआ, आप इसी तरह के श्री बालाजी मंदिर ओडल के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए आज वाणी को इस स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।